तो क्या हाल है दोस्तों। अगर आपके पीसी या लैपटॉप में इस तरह से सिर्फ एक ही ड्राइव है और आप एक से अधिक ड्राइव बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंपली दिस पीसी पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे मैनेज पर क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सारी ड्राइव शो हो जाएंगी जो आपके लैपटॉप या पीसी में होंगे। तो जिस ड्राइव से आप पार्टीशन बनाना चाहते हैं वहाँ पे राइट क्लिक करना है और श्रिंक वॉल्यूम पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर पार्टीशन का साइज एमबी में डाल देना है, जैसा कि 1 जीबी में 1024 एमबी होता है और मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ 100 जीबी का, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,02,400 एमबी। और इसके बाद सिंपली श्रिंक पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर पार्टीशन क्रिएट हो चुका है, लेकिन दोस्तों ये अभी वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये अभी एक्टिव नहीं हुआ है। तो इसे एक्टिव करने के लिए इस पर राइट बटन क्लिक करेंगे और न्यू सिंपल वॉल्यूम पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे अगर दोस्तों इसका ड्राइव लेटर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए, फिर नेक्स्ट कर दीजिए और सिंपली फिनिश पर क्लिक कर दीजिए। थोड़ा सा वेट करने के बाद तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा ड्राइव बन के रेडी हो गया है। और इस तरह से कई सारे आप ड्राइव बना सकते हैं बिल्कुल फ्री। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।